क्या धर्मेंद्र की बेवफाई पर उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ऐसा कह सकती हैं? शायद दुनिया की कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी पत्नी के बारे में कभी ऐसा नहीं बोलेगी। इस वक्त हर तरफ धर्मेंद्र के पोते करण देओल की शादी छाई हुई है। इस शादी को देओल परिवार ने कितने धूमधाम से किया ये पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस शादी में धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियों ने कदम नहीं रखा। शादी में धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर के साथ जाम लेकर खूब इश्क लड़ाते हुए दिखे। धर्मेंद्र और उनकी पहली पत्नी की इस तस्वीर को देखकर अचानक से प्रकाश कौर का वो बयान याद आ गया जो उन्होंने धर्मेंद्र की बेवफाई और हेमा मालिनी के साथ दूसरी शादी को लेकर दिया था। पूरी जिंदगी में प्रकाश कौर ने सिर्फ एक बार ही मीडिया से बात की और ये बयान उनका सुनहरे अक्षरों से लिख दिया गया। धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को तलाक दिए बिना इस्लाम धर्म अपनाया और चार बच्चे होते हुए भी उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर ली। ये शादी साल 1980 में हुई थी। उन दोनों की शादी से प्रकाश कौर उस वक्त काफी नाराज थी। अगले साल 1981 में प्रकाश कौर ने स्टार डस्ट को इंटरव्यू देते हुए धर्मेंद्र की दूसरी शादी पर कहा था, कोई भी मर्द होता तो मेरी जगह हेमा को चुनता। मेरे पति ने ऐसा किया तो इसमें गलत क्या है? कोई मेरे पति को औरत खोर कैसे कह सकता है? प्रकाश कौर ने यह भी कहा था कि इसमें फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा दोष है। उन्होंने कहा था, आधी इंडस्ट्री ही ऐसा कर रही है, सारे हीरो काफिर है और वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरे ससुर भी फिल्म स्टार्स के खिलाफ थे। जानती हूँ कि उनका खुद का बेटा भी एक्टर है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा हीरो बने। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी साल 1954 में हुई थी, तब वो हीरो नहीं बने थे। उस वक्त धर्मेंद्र की उम्र सिर्फ 19 साल थी। शादी के इतने साल बीत गए लेकिन धर्मेंद्र और प्रकाश कौर कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उनकी इस तस्वीर को देखकर उनके प्यार को समझा जा सकता है। लेकिन इतने सालों में प्रकाश कौर ने कभी हेमा मालिनी की सूरत नहीं देखी। वेल, आप क्या कहेंगे इस पर? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए बॉलीवुड पे चर्चा को सब्सक्राइब कीजिए।